सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब देखिए, सर्कुलेशन फिशेज में किस तरह से होता है, एम्फीबियंस में किस तरह से होता है, रेप्टाइल्स में किस तरह से होता है, एंड जो आपका केम है इसमें किस तरह से होता है, मतलब क्रोकोडाइल, एवीज एंड मैमल्स में किस तरह से होता है, या सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है, एंड कम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इन सब कंफ्यूजन को आज अपन इस लेक्चर में दूर करने वाले हैं। तो इससे पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो चलिए सबसे पहले अपन पीसीज की बात करें। तो पीसीज के अंदर जो हार्ट रहता है वो कितने चैम्बर रहता है, तो पीसीज में याद रखना हार्ट कितने चैम्बर होता है, दो चैम्बर हार्ट रहता है। मतलब एक तो क्या रहेगा आपका एट्रियम रहेगा, एक क्या रहेगा आपका वेंट्रिकल रहेगा। अब जो ब्लड होगा वो ब्लड बॉडी से जो भी जब भी ब्लड क्या होगा हार्ट के पास में आएगा, तो बॉडी से हार्ट के साइड में जो भी ब्लड आएगा वो इनके अंदर कौन सा होगा, इम्प्योर ब्लड रहेगा। मतलब इस तरह अब आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, बॉडी से हार्ट के साइड में जो जो मतलब ब्लड आ रहा है वो ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा। मतलब जो आपका मछलियों का जो हार्ट होता है उस हार्ट को क्या बोला जाता है, वीनस हार्ट। अब वीनस हार्ट का मतलब क्या हो गया, वीनस हार्ट का मतलब होता है कि ऐसा हार्ट जिसके अंदर क्या हो, कंप्लीटली क्या हो, CO2 युक्त क्या हो ब्लड हो, मतलब CO2 रिच क्या हो ब्लड हो। मतलब आपका जो मछलियों का हार्ट होता है इसके अंदर ओनली फॉर क्या होता है, चाहे वो राइट एट्रियम मतलब एट्रियम हो या चाहे वेंट्रिकल हो, दोनों के अंदर ही क्या होती है आपकी CO2 ही रहती है, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी, मतलब ऑक्सीजन रहती है, लेकिन वैसे देखा जाए इनका पार्शियल प्रेशर तो वो क्या होता है ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। फिर जो ब्लड होगा वो एट्रियम में आएगा, एट्रियम से किस में आया, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कहां जाएगा, गिल्स के पास में जाएगा, क्योंकि पिसीस के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किल्स के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। तो गिल्स से जो ये जो ब्लड होगा ये ब्लड क्या लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा, और ऑक्सीजन लेके कहाँ चला जाएगा, वापस बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उसके पास चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल सर्किट बन रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं सिंगल सर्किट बन रहा है, इसलिए इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन बोला जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, ओनली फॉर पिसीस के अंदर पाया जाता है। फिर बात करें एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में किस तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, तो याद रखना एम्फीबियन के अंदर जो हार्ट होता है, हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, तीन चैम्बर रहते हैं। कितने चैम्बर रहते हैं, तीन, कौन कौन सा, दो तो आपके क्या रहेंगे एट्रियम रहेंगे, दो क्या रहेंगे आपके एट्रियम रहेंगे, एक क्या रहेगा आपका वेंट्रिकल रहेगा। अब जो बॉडी रहेगी, बॉडी के पास में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड कहाँ आएगा, आपके राइट वाले एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से क्या आएगा, वेंट्रिकल में, क्योंकि यार राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं होते, क्योंकि वेंट्रिकल क्या होता है एक ही होता है, एक ही चैम्बर रहता है तो वेंट्रिकल का। तो राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड क्या है, यहाँ पे मिक्स ब्लड होगा, तो याद रखना क्यों क्यों मिक्स क्यों होगा, आगे आप देखिए। तो यहां से क्या होगा, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास में जाएगा, स्किन के पास में जाएगा, एंड जो बक्को फेरिंग्स होगा, क्योंकि जो आपके फ्रॉग होते हैं एम्फीबियन की बात करें तो उनके अंदर रेस्पिरेशन किस किस के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा, स्किन के द्वारा, एंड बक्को फेरिंग्स के द्वारा होता है। तो यहाँ से वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लंग्स के पास में जाएगा, स्किन एंड बक्को फेरिंग्स के पास जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन लेके कहां आएगा, आपके लेफ्ट वाले आर्टरी में लेके आएगा, किस में लेके आएगा, लेफ्ट वाले एट्रियम में, लेफ्ट वाले एट्रियम से ब्लड कहां आएगा, वेंट्रिकल। अब देख रहे हैं यहां पे दोनों के दोनों ब्लड क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि राइट एट्रियम से जो इंप्योर ब्लड है वो भी वेंट्रिकल में आ रहा है, एंड लेफ्ट एट्रियम में जो प्योर ब्लड है वो भी कहां आ रहा है, आपके वेंट्रिकल में आ रहा है। तो दोनों के अंदर मिक्स ब्लड होगा, फिर ये मिक्स ब्लड कहां चला जाएगा, बॉडी के पास में चला जाएगा, यहां से जो भी ऑक्सीजन होगी वो ले ली जाएगी, वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस राइट एट्रियम में चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, डबल वार हो रहा है, डबल सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि देखिए दो बार ब्लड है ये हार्ट से गुजर रहा है, एक बार हार्ट के पास जा रहा है और यहां से वापस पंप हो रहा है लंग्स के साइड में, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आ रहा है, हार्ट वापस कहां पंप कर रहा है, बॉडी के साइड। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन होता है वो क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन। अब ये इनकम्प्लीट क्यों, इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड है वो प्योर ब्लड भी मिक्स हो रहा है, साथ में इम्प्योर ब्लड भी मिक्स हो रहा है, इसलिए इस टाइप के जो सर्कुलेशन है इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट आ जाता है आपके रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के अंदर भी जो हार्ट रहता है वो थ्री चैम्बर रहता है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे जो वेंट्रिकल के अंदर वॉल है ये धीरे धीरे बनने लग जाती है, मतलब वेंट्रिकल का पार्टीशन होना स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट पार्टीशन नहीं होता। मतलब इनकी कंपेयर के अंदर इनका जो ब्लड होता है थोड़ा सा क्या होता है, प्योर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्टीशन नहीं है, तो दोनों के दोनों जो ब्लड होंगे वो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो मिक्स का परसेंटेज थोड़ा सा कम रहेगा, मिक्स तो इसमें भी होंगे ब्लड, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टीशन आ गया इसके कारण थोड़ा इसके कंपेयर में ज्यादा का ब्लड होगा वो क्या होगा, प्योर होगा। तो ठीक ऐसे ही ब्लड होगा, ये ब्लड बॉडी से इंप्योर ब्लड होगा वो कहां आया, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से कहां आया, वेंट्रिकल, क्योंकि यहां पे भी क्या होती है, दो तो एट्रियम होता है एक ही वेंट्रिकल होता है, इसलिए इनका हार्ट क्या होता है, थ्री चैंबर होता है।
अब राइट एट्रियम से कहाँ आया? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से जो ब्लड होगा ये ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ जाएगा? आपके लंग्स के पास में जाएगा। फिर लंग्स से ये वापस होता हुआ कहाँ पे आएगा? ऑक्सीजन लेके राइट वाले एट्रियम में लेके आएगा। अब जो सॉरी लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगा। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम होगा यहाँ से ब्लड क्या आएगा? आपके वेंट्रिकल में आएगा। वेंट्रिकल वापस इसको क्या कर देगा? ब्लड को पंप कर देगा फोड़े के साइड में। तो इस तरह का जो सर्किट है बन रहा है, तो ये ब्लड भी इस यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दो बार ब्लड है वो हार्ट के पास में आ रहा है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को भी क्या बोला जाता है? डबल सर्कुलेशन। क्योंकि यहाँ भी ब्लड है ये मिक्स हुआ है, चाहे थोड़ा सा ही हुआ हो, इसलिए इस सर्कुलेशन को भी क्या बोला जाता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। अब जो आपके क्रोकोडाइल्स हैं, एवीज हैं एंड जो मेमल्स हैं, इनके अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, वो भी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। कैसे? तो यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर हार्ट कितने चैम्बर होता है? चार चैम्बर युक्त हार्ट होता है। मतलब ये वेंट्रिकल वाली दीवार वॉल है, ये वॉल कंप्लीटली अटैच हो जाती है ऊपर। तो यहाँ पे चार चैम्बर है, तो दो तो आपके क्या होंगे? एट्रियम होंगे। एक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। दूसरा कौन सा होगा? राइट वेंट्रिकल एंड आपका क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब चार चैम्बर होते हैं। तो यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड होगा, वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो बॉडी से कहाँ आएगा? राइट वाले एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? आपके लेफ्ट राइट वाले वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ आ रहा है? लंग्स के पास में आ रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए। जैसे ही ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो लंग्स से ब्लड कहाँ आ जाएगा? राइट वाले एट सॉरी लेफ्ट वाले एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट वाले एट्रियम से कहां जाएगा? लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आ जाएगा। एंड लेफ्ट वाला वेंट्रिकल ब्लड को वापस पंप कर देगा बॉडी की साइड में। इस तरह का जो सर्किट बन रहा है, ये क्या है? दो बार हो रहा है। दो बार तो सबके अंदर हो रहा था, लेकिन यहां पे क्या है? प्योर एंड इंप्योर ब्लड दोनों ही क्या है? अलग-अलग है। क्योंकि राइट वाले दोनों के दोनों पार्ट में क्या है? इम्प्योर ब्लड है। लेफ्ट के दोनों पार्ट में क्या है? प्योर ब्लड है। मतलब दोनों मिक्स नहीं हुए हैं, इसलिए इस सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। अब देखिए हार्ट, ये क्या है आपका? हार्ट है। हार्ट एंड लंग्स के बीच में जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो उसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब हार्ट एंड ब्लड के बीच में जो सर्कुलेशन हो, तो उसको तो बोला जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड जो आपका हार्ट एंड जो आपके बॉडी है, इनके बीच में यदि ब्लड का सर्कुलेशन हो, तो इसको क्या बोला जाता है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोला जाता है। क्योंकि बॉडी के ऑर्गन क्या हो गए? एक तरह से सिस्टम हो गए। तो हार्ट एंड सिस्टम के बीच में यदि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट सर्कुलेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या होता है, एंड सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।